नौ बजे बाहरों गुंडे मंगवा के कुछ पेंड तो जरा इन्होंने गुंडा काफी बन के बेनती है। मेरा नाम कुलदीप कौर है जी। कुलदीप कौर जी अज तुसी पिंड धरना क्यों लाया? हाँ जी मैं रौली पिंड दे रहण वाली हाँ। मेरा नाम कुलदीप कौर है। मेरा बच्चा इस टाइम भी चिट्टे कारण दूजा पहला हॉस्पिटल रहा दो महीने तीन दो तीन महीने इतने मोगे रहा वा। इस टाइम भी घर के फिफरे के पैप लगी एक फिफरा जमा खत्म हो चुका नशे के नाल। जो भी दिहाड़ी लाँदा सी बच्चों नहीं सी दिंदा छोटे छोटे बच्चे आ एक महीना 17 दिन की वो बच्ची आ हुण 8-9 साल का बच मुंडा वा तो जी वो भुखे मरते तो जमा मैं पिंड पीड़ मंग मंग के रिश्तेदारों तो मंग मंग के कूड़े सट सट के मैं वो बच्चे का इलाज करवाया वा कि नशे के कारण मेरे बच्चे का फिफरा जमा खत्म हो चुका। यह भी मेरी भाण जी है जी जिदे नाल रात लड़ाई हुई है। इन्होंने दरवाजे के आण के वो पटाके चलाते पटाके चलाते तो इन्होंने बोले भी तुम आपके दरवाजे के जाके चलाओ पटाके भी इतने ना चलाओ। इतने कुछ चिट्टा लैन वाले बच्चे खड़े से वो कहते भी साढ़े दरवाजे के ना खड़ो गांह चलो। इस कारण वनू मेरी भाण जी नूं भी कुटमार की मेरे भाण जी ने भी सट्टा मारिया गई घर के अंदर किसी को घर के जी वड़न नहीं दिता। इधर कोई है नहीं उन्होंने के दूजे पास कलोनिया रहने जदों असी आए चल के उदों कुटमार करके तो खिलारा पिया होया भज गए। वेचता है जी कालू सिंह वेचता वा मनजिंदर सिंह पक्का ना मनजिंदर आ छोटा ना कालू आ आ घर लागे घर आ रौंदी सिंह का मुंडा। असी बहुत कहिंदे रहे असी घर आण के भी कहिंदे रहे इहनू भी तू समझ जा साडे बच्चियां नू चिट्टा ना दे तू इह खंडा चाहवां वांगू चिट्टा वेचदा वा। मैने थाने वाले भी मतलब के इन्हों तो रिश्वत लेके जाते वो कहते सानू कोई नहीं रोक सकता जे असीं उन्हां नू सीधा भी कहिंदे आ भी तू ये काम कर लो हट जा काका तू सारे दीआं जिंदगियां तबाह करी जाना भी नवी पीढ़ी दीआं तू जिंदगियां खात्म करी जाना तू हट जा। अगों कह दिंदा वा मैनू कौन रोकूगा मैं रिश्वत भरदा वा। वो सरेआम कहिंदा भी मैं पुलिस वालियां नू पैसे दिंदा वा तो कोई पुलिस वाले तो कोई भी कुछ नहीं करदा गा। असीं हार के ये मुद्दा उठाया कि जा हार के ये धरना ला चुके हैं इस घर के बाहर के मूहरे साड़ी हथ बन के बेनती है भी यह नशा खत्म किया जाए इस पिंड वाली पिंड के विचों के साड़ी नौजवान पीढ़ी बच सके। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। मैं सुखविंदर सिंह लड़का जिहड़ा मेरा उहदा मैं बाप है। मैं मोगे रहिंदा ते उह इत्थे रहिंदे सी रात तकरीबन 8-8:30 बजे इत्थे जिहड़ा चिट्टा वेचदे चिट्टे का व्यापार आ जिहड़ा बिलकुल सुबह तो लैके शाम तक हुंदा बिलकुल कोई रोक टोक नहीं कोई पुलिस का डर नहीं किसी मुलाजम का डर नहीं उन्हां नूं उह शरेआम वेचदे। रात मेरे बच्चे ने कहा मतलब भी तुसीं इत्थे साडे बार दे अगे आ के पटाके चलाउणे आ भी तुसीं कल दिवाली कल सी भी अज तुसीं इत्थे की करदे वो कहिंदे भी असीं तां घर ते बार च की गली च की तेरे घरे चलावांगे। इस गल तों बाद बैंस हो गई ते उन्होंने घरे आ के मेरे बच्चे दे मेरी नूंह दे तकरीबन उन्हें 7-8 बंदे सी सट्टा मारियां ते उन्हां दे मतलब बहुत ज़्यादा कुटमार की क्यों मेरा छोटा भाई भी इतने है नहीं सी बाकी भी साढ़े घर के इतने है नहीं नेड़े है नहीं सी जदों नूं तकरीबन वो आए तो उदों 7-8 बंदे वो इतों फरार हो गए मोटरसाइकिल लैके ना जी पटाकियां का तो सिर्फ उन्होंने बहाना बनाया उन्होंने मतलब यह है भी सानू कोई मतलब चिट्टे सानू कोई रोक थाम ना करे जिथे असी मर्जी मोटरसाइकिल खड़ाइए जिथे मर्जी गड्डी खड़ाइए सानू बार च खड़ाइए जिथे मर्जी खड़ाइए तो सानू कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगे शिकायत की साहब ने साढ़े जिन्होंने ग्राम पंचायत वालों शिकायत की गई सी उन्होंने तो उन्होंने ज मतलब अवेल होकर तो मतलब रिहा हो चुके हैं तो साडा मतलब कोई भी मतलब थाने वाले भी कोई नहीं सुनते बिलकुल भी वो जो कहने भी गए वो कहते चल कोई ना असं कुछ करते हैं करते कुछ नहीं। रात का 8:30 बजे का ये वारदात हुई है सारी रात ना कि 11-12 बज गए अजे तक कोई पुलिस मुलाजम नहीं आया हूँ आए थोड़े टाइम पहले सट्टा तो लड़का से मेरा एक ही तो नौ से मेरे दोने ये दो जने से 7-8 बंदे आ गुआढ़ जी रेंदे आ हूँ जी लॉक लगा पुलिस पर मुलाजम ये कहें भी असी कहते मतलब असी चार बंदे अरैसट कर ले बिलकुल उन्हें अरैसट कोई बंदा नहीं किया गा तो सानू उन्होंने ये भी सानू मतलब बेवकूफ बना रहे मुलाजम भी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी कल शामी 8-9 के विचकार जब सारे आपो अपने घर टैगे से
तो कुछ गलत अंसरां ने इस मकान के अंदर जो कि मियाँ बीबी दरवाजा ला के बैठे से एंट्री की उन्होंने काफ़ी कुटमार की। रौला सुन के जगराज सिंह ते हीरा सिंह ते एक मुंडा होर इत्थे उन्होंने आया उसी आण के मसा चार पांच बंदयां ने उन्होंने हेठों कढ़िया। उस तो बाद उन्होंने काफ़ी पनवंते बाहरले बंदे भी सदे जिन्हां कोले कि हथियार कृपाना खंडे वगैरह सी। बाइकां ते आए, दो बाइक सीगे, एक स्कॉर्पियो गड्डी सी, एक बुलट मोटरसाइकिल सी जो कि शरेआम बदमाशी का गुंडा नाच कर रहे सी। और जिहड़े बंदयां ने सदे उह शरेआम चिट्टा वेच रहे ने। प्रशासन अगे अपील है कि उह प्रशासन नूं सीधा कह रहे ने कि साडे कोले लखां रुपईआ सी, प्रशासन दे मूँह ते मारदे सानूं कोई नहीं रोक सकदा। और पहलां भी काफ़ी टाइम पहलां 5-6 मंथ इन्हां ने मेरे नाल भी लुट्टमार की, और सट्टां भी मारियां जिस दा मौजूदा मेरे को एफीडेविट भी प्यार राजीनामा होया सरपंच के दबाव पाते मुलाजमान के दबाव पाते मैं राजीनामा किया गया सी। रात जी लड़ाई हुई वह भी चिट्टे के कारण ही हुई। इतने बाहरों आन के गलत आंसर चिट्टा लेंदे ने, खड़ते हैं, जेकर कोई रोकता तो वे गल पेंदे ने, सट्टा मारिया जांदियां ने। बिल्कुल नाल दा मकान है उन्हां दा जिहड़े चिट्टा वेचते हैं, तो रात दे ही घरों फरार ने। उस तो बाद उन्होंने रात उन्होंने सट्टा मार के आपका भी क्रॉस परचा बनाया गया जो कि बिल्कुल गलत आ। दो बंदे जिन्हां दे घरे सट्टा मारिया गई बाहरले बंदे दे कदे सट्टा नहीं मार सकते, तो ना ही उन्होंने सट्टा वजिया। सो कृपा करके मेरी प्रशासन अगे बेनती आ भी जिहड़ा उन्हां दा क्रॉस परचा उह रद्द किया जाए। तो जो भी वो पहला बंदा जमानत आया चिट्टा वेचता आदि मेन जमानत आया होया ने, पंचायत ने बकायदा मेन वो फोटो कापी आ, सारे पिंड के सिग्नेचर ने ये। और एक दो परिवार के होर भी बंदे मैं पेश कर सकता जिहड़े कि मुंडे मर चुके ने इत्थे चिट्टे नाल, ते घर लखां घर इत्थे बर्बाद हो रहे हैं। लोग घर का जिहड़ा समान है अपना वो इत्थे बेच रहे ने, इन्हां कोले गहने रख रहे ने, ते कुछ इत्थे इहो जिहे भी आंसर ने जिहड़े कि पैसा दिंदे ने कि सानू होर पैसा दिओ नाल ब्याज ते तुसीं चिट्टे लई लै सकदे हो, पी सकदे हो। सो मेरी कृपा है प्रशासन अगे यही बेनती है कि जो बंदी उह कारवाई की जाए, तो जिहड़े आने वाली नवीं जनरेशन उसनों इस चिट्टे तो रहित किया जाए, नहीं तो साड़ियां नस्लों पंजाब दियां खत्म हो जाएगियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मेरा नाम जी सुरेंद्र सिंह, मेरा जी पिंड रौली है। गल जी मारकुट की रात जी, पांच मुंडे तीन औरतां सीगे, वो साढ़े वैसे तो गवांढी सीगे, वो दो नंबर का काम करदे, चिट्टा भी वेचदे शराब भी वेचदे, साडे घर दे नाल बार दे नाल खड़ के चिट्टा वेचदे। पहला उन्हों चलो मैं सोचा मैं चलो कोई गल नहीं, दूजी वीरी पटाके चला लग गए उ, पर नहीं वो दो नंबर का काम चिट्टे का ही करते। पर साढ़े तो मेहने ठाने की पुलिस भी कुछ नहीं करती, राती इस गल तो झगड़ा खड़े सी उत्थे साढ़े बार दे, सानू पता भी साढ़िया बुढ़िया कुड़ियां दूजे महल्ले दे आ के बंदे उत्थे खड़नगे रात बराते, दसो भी बंदा बोल। जदों मैं बोलिया तो मैनू आके उन्होंने हाथ पा लिया, हाथ पा के अंदर लै गया, मैं अंदर भज के वड़ गया, तो नाल मेरे घर वाली ने मैं बहुत ज़्यादा ने मारकुट की उन्होंने। हाँ हथियार से जी उन्होंने को, गड़ासियां सी तो एक पत्ती सी जिमें किरचू कह लगी वो जी। राती लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि पहला तो दूसरा अपना भी पटाके चला, मैं उन्होंने यही गल कही भी साढ़े बारे थोड़ा इस टाइम तुम इतने खड़ नहीं सकते, थोड़ा दूजा महला ठीक है ना उधरले पासे जाओ ठीक है ना, भी इतने तुम कहते ना जी असं तो इतने खड़ा अभी थोड़े घर भी चलावे, कहते पटाके आ गए मेन तो पहले थोनू। मैं एक गल दसदा, पहली गल तो लड़ाई हैगी चिट्टे बाबती, वह वेचते तो मैं उत्थे वेचन नहीं देना चाहता, वो धक्के ना खड़ा मैं उत्थे खड़ा नहीं चाहता, खड़न देना नहीं चाहता। उन्होंने पटाकों के पिछे चलो जी मैं कहता उन्होंने लड़ाई पा ली, उन्होंने गुब घलाड़ो कहते भी तेरे ने यही गुब घलाड़े क्ढना तू सू रोकदा। साढ़े जी दो मुंडे मर गए, किसी ने कार्रवाई नहीं की, कोई दूसरा आके उत्थे खड़ता नहीं, पुलिस वाले जी पुलिस वाले आते दिन दिवाली वाले दिन खुद पुलिस वाले उन्होंने घर आ गए शराबा पी के गए जी, पुलिस वाले की करे पुलिस वाले चक के लेंदे नाल ही छड़ देंदे। चिट्टा 14-14 साल दे जवाक लाए हुए पिंड
टीके लाउन। पहला उन्होंने फ्री लवा दें, बाद उन्होंने पता लग जाता भी बूटे लग गए तो हम तो लिया पैसे आपके घरों। रात पटाके चलाते मेरे जवाक चलाई जाते बार्च नाल तो परले वेड़े दे आके साढ़े बार्च चला लग गए व्डे व्डे पटाके चला लग गए थे। असी माड़ा जहा क्या भी तुम इतने ना चलाओ तो कहें असी तो ही चलावे कहें तू हूं कौन सू रोकने वाला। उस तो बाद अंदर ले गए सू दो जन वो अठ जने से असी दो जने से तिने तो एक तो वो माँ सी एक कुड़ी सी एक नूह सी उन्होंने तो एक वो घर वाला से दो मुंडे से दो उन्होंने जेडे पासियों मुंडे लिया अठ जने से। हाँ जी सट्टा ही इन्होंने आने तो इन्होंने मूँह तो टांके लगे हुए है मेरे इतने हिट मारी हुई है तो आ मेरे कपड़े देख लो किसी घर ही थोनू वीडियो पाँगा होगा वेख सकते ठीक है। रौली पिंड धरना लाया गया लोगों का यह कहना कि भी जो चिट्टा छरिया विखदा पुलिस कोई रोकथाम नहीं कर रही घर घर जो चिट्टा सप्लाई हुई ये रात ना मैंने इंटीमेशन मिली थी भी रौली पिंड कोई झगड़ा हो गया जिद सही सुखपाल सिंह पुलिस पार्टी भेजा से उन्होंने लड़ाई वगैरह हट गई थे इन्हों के जिन्हें कोई सट्टा वगैरह लगी जख्मी हुई हॉस्पिटल लै गया हॉस्पिटल तो अज सू इनफॉर्मेशन आई है 10 बजे पुलिस पार्टी उत्थे भेजी है बयान लिखने वास्ते बयान लिखने तो बाद जी कार्रवाई बनती हो करांगे जेड़ा कोई चिट्टा बेचता उन्होंने कोई बख्शा नहीं जाऊगा क्योंकि मेरे ध्यान चा इन्होंने अजे लिया पिंड वासी ने भी कहना कि असं कई बार दरखास्त नहीं मेरे को नहीं आए कोई जो पिंड वासी कोई खड़ा खड़ा होकर कह दे जो मेरे को आया तो हाँ ठीक है। मेरा नाम इंस्पैक्टर बलराज मोहन अगे हाँ जी अगे भाई बयान लिखा के परचा दे के जो बंद की कार्रवाई करा जो चिट्टा बेचता उन्होंने बख्शा नहीं जाऊगा। इस तो पहला 1.5 महीना पहले इतने परचा दिता गोलियां का इसे बंदे जो कालू काली आ तो बेलते आया जेकर होना भी